पठान हाउसफुल ट्विटर पर बुकिंग के दावों पर अलग अलग वीडियो से उठी सवाल, गोदी मीडिया हुआ बुरी तरह ट्रोल। पठान फिल्म की रिलीज के बाद तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई जगहों पर सिनेमा घर बंद कराए जाने की खबरें सामने आई तो कहीं दावा किया गया कि फिल्म हाउसफुल चल रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि कई सिनेमा घर के टिकट अभी भी खाली पड़े हैं। इसके उलट कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें टिकट ही नहीं मिल पा रही है। टीवी एंकर सुशांत सिन्हा ने दिल्ली NCR के एक सिनेमा हॉल की स्थिति को शेयर करते हुए ट्वीट किया, हफ्ते भर से खबरें छप रही हैं कि पठान फिल्म की ऐसी धरती फाड़ एडवांस बुकिंग हो गई है कि आकाश पाताल सब हिल जाएंगे। सोचा जरा देखूं दिल्ली NCR में क्या हाल है, बुकिंग का तो लगभग सारे हॉल के लगभग सारे शो हरे रंग में यानी खाली नजर आ रहे हैं, गजबे है। वही इसके साथ ही जवाब में कई लोग टिकट बुकिंग की स्थिति दिखाकर बता रहे हैं कि सिनेमा हॉल फुल चल रहे हैं, टिकट नहीं मिल पा रही है। आइए बताते हैं पब्लिक ने सुशांत सिन्हा को क्या जवाब दिया। यासीन सिद्दीकी नाम के ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करके लिखा, झूठे और मक्कार पत्रकारों से थोड़ा बच के रहें, झूठ और चाटुकारिता इनके रग में घुस गई है, असलियत यहाँ देखें या आप खुद चेक कर लें। मोहम्मद उस्मान नाम के ट्विटर यूजर ने सुशांत सिन्हा पर कटाक्ष करते हुए लिखा, मतलब पठान से इसकी भी दुकान चल रही है। तो देसाई पंकज नाम के ट्विटर यूजर ने एंकर सुशांत सिन्हा को जवाब देते हुए कहा, कभी बुकिंग की है तूने, सिर्फ फ्री में देखा होगा, वो टाइम प्री क्लिक कर फिर पता चलेगा, तकरीबन 30 शो हैं एक दिन में, संडे तक कुछ भी ट्वीट करके अपनी बुद्धि का प्रदर्शन मत कर। MP नाम के ट्विटर हैंडल से सुशांत सिन्हा को कहा गया, ये कार्य करने के बजाय अगर नविका कुमार का आटा गूंद था या राहुल शिवशंकर के कप धोता तो कल को अप्रेजर ठीक होता। विजयपाल सिंह तरियाल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, नफरत की पाठशाला में आज करना मूलिकान, इसमें काफी माहिर हो तुम। आपको बता दें कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने पठान फिल्म देखने के बाद तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस फिल्म में शाहरुख खान बहुत ही बेहतरीन लगे हैं, शाहरुख खान इतना हसीन इतना सुंदर पहले कभी नहीं लगा, हम तो उसे देखने आए थे और दिल खुश हो गया, खतरनाक एक्शन है। इसके साथ ही उन्होंने जॉन अब्राहम की भी तारीफ की। शाहरुख खान ने बड़े पर्दे पर 4 साल बाद वापसी की है, इससे पहले वे 2018 में फिल्म जीरो में नजर आए थे। पठान की बुकिंग को लेकर एंकर सुशांत सिन्हा के इस दावे को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।